हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं भारत को। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं पटना के नौबतपुर में। जाके बताते फ्रेंड्स कि यहाँ बागेश्वर बाबा आने वाले हैं और यहाँ पर उन्हीं का प्रोग्राम जो चलने वाला है कल से। आज शुक्रवार है तो आज पटना में आ जाएंगे और कल से इनका यहाँ पर हनुमान कथा चालू हो जाएगा। उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पाली मठ इलाका है और सामने देख सकते हैं कि कुछ उनका एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है और यह रास्ता उन्हीं के लिए खोला गया है। और लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप भी कहीं यहीं पर आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, तो खासकर वहाँ से आप यहाँ सुनने के लिए। तो अब क्या सोच के आए हैं यहाँ बिहार में आने का, पटना में? इनकी बस राम कथा अपना। हम तो बम्बई भी गए हैं। अच्छा अच्छा हम छत्तरपुर गए हैं। अच्छा हम तो बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ आप जाते हैं? हम जाते हैं। मतलब कि आप पक्का? अपने खर्चा से। अच्छा। और हम घर से निर्मित हैं। अच्छा, घर परिवार सब उनकी दया से। तो अभी कितना दिन आपको यहाँ रहने का विचार है? हम 17 तक रहेंगे। 17 तक रहेंगे, तो पर्ची खुलवा ही लीजिएगा अगर 5 दिन रहेगा। पर्ची हो तो माँ, पर्ची तो खुला हुआ है तभी तो चल रहे हैं। अच्छा, खुला हुआ है। अगर पर्ची मेरा नहीं खुला रहता जी तो हम कहाँ तो क्यों घर भटकते। अच्छा, हम तो वो भटका रहे हैं, हम भटक रहे हैं। अच्छा, चलिए। हमें तो बच्चे रोक रहे हैं, लड़की रोक रही है, घरवाली रोक रही है, तुम महीने 2 महीने से फरार हो। अरे भैया, आप जिंदगी भर नौकरी करके दे दिया, सब कुछ बना दिया, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, अब हमें क्या करोगे तो रखे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि बहुत दूर दूर से लोग हैं, ऐसे ऐसे बहुत भक्त मिलेंगे जो इंडिया के कोने कोने से भी आने वाले हैं। तो अभी हम उस जगह पे हैं और जहाँ पे बाबा का पूरा कथा चलने वाला है वहाँ पे ले चलेंगे आपको और पूरा दिखाएंगे कितना प्रोग्राम, कितना व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। और अभी हम यहीं पे हैं, 10 कदम आगे है और चलेंगे और आप पूरी तरह से आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि हम 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ये देख सकते हैं बाबा बागेश्वर धाम का जो कथा होने वाला है वो बहुत देख सकते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं कि जो भंडारा है होने वाला है, जो आराम करने के लिए जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था किया गया है। यह बहुत बड़ा एक छोटा सा गेट भी है जो बाबा बागेश्वर सरकार का लगाया गया है और अंदर ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे पूरा व्यवस्था किस तरह से सजाया गया अंदर। तो चलते हैं अंदर, कि हम अंदर आ चुके हैं जहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम कथा करेंगे, हनुमान कथा। तो ये काफ़ी बड़ा है, वहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, भक्तों के लिए बना हुआ है और मेन स्ट्रीट जो है वहाँ पे है। और अंदर हम चलेंगे और दिखाएंगे करीब से कि कितना व्यवस्था कुछ अंदर चल रहा है, कथा सुनाएंगे बैठ कर। ये स्टेट है उनका, देख सकते हैं कि यहाँ जोर जोर से काम चल रही है रंग। और ये पंडाल तो रेडी हो गया है, तो इधर भक्तों का बैठने का है। काफ़ी दूर तक पंडाल बना हुआ है। बताते फ्रेंड्स कि ये जर्मन पंडाल है जो कि काफ़ी मजबूत और काफ़ी लंबा चौड़ा बनाने का प्रक्रिया होता है। एकदम देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। हर चप्पे चप्पे पे एक छोटा छोटा कदम पर एक पंखा लगाया है, यानी कूलर भी है तो रखा हुआ है। अभी बहुत सारी व्यवस्था यहाँ हो रही है, जैसे जैसे अब समय बीतते जाएगा वैसे वैसे पंडाल का काम चल रहा है। कि स्टेट यहाँ पर बन चुका है और ये जो थर्माकोल का जो डिज़ाइन दिया जा रहा है शाम तक ये भी रेडी हो जाएगा। और लोग को बताते फ्रेंड्स कि यहाँ जो आ रहे हैं तो बाबा कहना था कि जो सबसे पहले आएंगे वही आगे बैठेंगे, जो बाद में आएंगे वो पीछे बैठेंगे, मतलब कोई भेदभाव नहीं रहेगा इनकी कथा में। कहते हैं कि काफ़ी दूर दूर तक लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं और यहाँ पे भीड़ भी अभी पब्लिक का ये है कि लोग बहुत बताते फ्रेंड्स कि पटना में पहली बार ऐसा हुआ जो इतने बड़े बाबा आ रहे हैं। और पटना से काफ़ी करीब हो जाता है, 30 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, जो कि इतने दूर में बाबा बागेश्वर धाम यहाँ पे कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हम स्टेट से दूर यानी बीच में आ गए हैं। दोनों तरफ देख सकते हैं कि उधर भी और इधर भी एकदम बीच में है और काफ़ी बहुत बड़ा पंडाल है, क्योंकि भक्तों का जो भीड़ है जो आने वाली है जो लाखों में कहा जा रहा है। तो उस दौरान से देखते ये एक ही पंडाल नहीं है जर्मन, एक इस बगल में है और एक इस बगल में, यानी टोटल 3 पंडाल बनाया गया है। इसके अलावा अगर भीड़ आएगी तो जगह के अनुसार, लेकिन ये बहुत बड़ा जगह है, इसमें 2 लाख आराम से इसमें आदमी एडजस्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि अभी भी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और लोग यहाँ पे आके अभी से ही परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि कथा जो है कल शुरू होगी और आज ही से लोग यहाँ पे आके यहाँ पे जो है आराम से बैठे हुए हैं। बागेश्वर धाम बाबा का जहाँ जो कथा होने वाला था वो तो हम आपको दिखा दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो मठ, जो सबसे पुराना मंदिर यहाँ पर है वो आपको हमने दिखाया है, वहाँ पर ले चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे। क्या कि बाबा जो बागेश्वर धाम बाबा आएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर दर्शन करेंगे, फिर यहाँ पर आके अपना जो हनुमान कथा है वो सुनाएंगे। तो हम वहाँ पर भी थोड़ा ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह का मठ है और कितना खूबसूरत है। कि जैसे कि यही मठ है जो इसी के जो बहुत बड़ा देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचा मठ है, यही मंदिर है, इसी के अंदर आपको ले चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ का जो खूबसूरती है जो कैसा है। कि यही मठ है और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मठ है
और इसी को अभी देख रहे हैं कि अभी रंग रोशन का काम चल रहा है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन भी है मंदिर का। और अभी हम आपको अंदर से ले चलेंगे और अंदर दिखाएंगे कि कैसा अंदर से व्यवस्था की है, क्या क्या हो अंदर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यही मठ का अंदर का नज़ारा है जो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है और इसे पूरा पेंट किया गया है ताकि जो बागेश्वर बाबा आने वाले हैं तो उनके तौर पर यहाँ पूजा भी होगी। तो इसी मठ में जो देख रहे हैं कि जो जो लोग आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं तो यहाँ पे आके आराम कर रहे हैं। हालांकि आज तो कुछ होने वाला नहीं है, आज कलश यात्रा थी जो सुबह में थी जो पूरा हो गई थी। बाकी जो है जो कल का जो प्रोग्राम है तो कल के लिए इंतज़ार रहेगा। और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है मठ, काफ़ी खुला है और ठंडा, इतनी गर्मी है लेकिन अंदर जो है काफ़ी ठंड भरी है। देख रहे पंखा एक भी नहीं चल रहे लेकिन लोग आराम से यहाँ पर आनंद से आराम कर रहे हैं। मठ में जो भी अभी है बहुत दूर दूर से लोग हैं तो वहाँ पे विश्राम कर रहे थे तो ज़्यादा कुछ नहीं था और कुछ में रंग रोका का काम भी चल रहा था, उस वजह से भी कुछ ठीक से दिखा था। लास्ट सीन देख सकते हैं कि ये है बजरंगबली का 21 फीट का मूर्ति जो कि बाबा बागेश्वर धाम जो हैं कृष्ण शास्त्री जो यहाँ पे हैं तो देख सकते हैं इन्हीं का दर्शन के बाद ही जो हनुमान कथा सुनाएंगे। अब बता दें फ्रेंड्स कि आज शुक्रवार का दिन था, आज कलश यात्रा भी था। अब देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ कलश रखा गया है। सुबह सुबह जो कलश यात्रा निकली थी सारा कलश जो महिला के द्वारा यहीं पर समर्पण किया गया है और यहीं से जो यात्रा होगी अब कल की जो है शुरू की जाएगी। अब बाबा बागेश्वर धाम जो यहाँ पर आएंगे तो कल 3 बजे से इनका कथा शुरू होगा और 7 बजे तक चलेगा। और इसी तरह से 5 दिनों का कथा है जिसमें से 15 तारीख को जो कथा आएगी वो कथा नहीं होगा, उस दिन पब्लिक से फेस टू फेस मुलाकात होगी, जिसे कहते हैं पब्लिक का जो पर्ची काटा जाता है वो होगा। तो देखते हैं किसकी किनका किनका जो पर्ची कटता है वो 15 तारीख को पता चलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, आपको हम कोशिश किए कि जहाँ जितना भी है यहाँ पर पूरा व्यवस्था हमने दिखाया। तो फ्रेंड्स बता दें कि अगर आप भी अगर इच्छा है तो आ सकते हैं, क्योंकि कल से लेके पूरे 5 दिनों तक बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर रहेंगे और रहकर कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने का जो समय है फ्रेंड्स 3 बजे से 7 बजे तक रहेगा, 15 तारीख को रहेगा 12 से 3, क्योंकि उसमें आपको पर्ची का जो रहता है जो भक्त लोग आते हैं उसका जो पर्ची होगा जो निकाला जाएगा। तो अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं, बाबा से मिलना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर आइए और बाबा से पर्ची निकलवाने का उम्मीद रखिए। तो फ्रेंड्स बता दें कि यहाँ पे आने का आपको एड्रेस है, अगर पटना से कहीं भी आते हैं तो पटना से आपको एम्स आना पड़ेगा, एम्स से आने के बाद आपको वो नबोधपुर डायरेक्ट आना होगा, यानी नहर जो देख रहे हैं नबोधपुर का वो नबोधपुर नहर पकड़ के सीधा आपको नबोधपुर मार्केट आना होगा। वहाँ पे किसी से पूछिएगा कि हमको पाली मठ जाना है तो कोई भी आपको आसानी से बता देगा, वहाँ से 7-10 कदम अंदर है, आसानी से आपको मिल जाएगी। और हम ये कहेंगे कि बहुत जल्दी आप कोशिश करिएगा आने का, क्योंकि पब्लिक को अभी से ही आना तेज़ से बढ़ गया है, लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ, तो जिनकी जिनकी जो आस्था रहती है वो बहुत दूर दूर से कष्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं मिलने के लिए उनसे। तो अगर आप भी हैं तो आप भी आइए और उनसे मिलिए और उम्मीद लगा के रखिए कि मेरा भी पर्ची कट जाए। बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ मेला भी लगाया जाएगा, मेला के साथ साथ यहाँ खाना पीना सारा व्यवस्था टोटली फ्री किया है, खाली मेला का जो है वो पैसा लगेगा क्योंकि वो बाहर से लगाया गया है। तो फ्रेंड्स बता दें फ्रेंड्स कि 5 दिनों का प्रोग्राम है, आप मज़े से आइए, आस पड़ोस के हैं तो सबसे अच्छा आपको मौका मिलेगा यहाँ पे आने का घूमने का। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बता दें फ्रेंड्स कि पिछले वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हमको दिल से थैंक यू बोलते हैं, इसी तरह ये वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।